जी सारे भैया ना, राम राम भाई। कोर्ट के साइड में एक यू जो जगह सी बन रही है, यहाँ पे हमारे भाई हैं, वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन 5 मार्च 2019 को भारत बंद, संविधान बचाओ संघर्ष समिति एवं भारत मुस्लिम मुक्ति मोर्चा, इनके 3 टॉपिक हैं। एक है 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण के विरोध में, दूसरा है 13 पॉइंट है रोस्टर प्रणाली के विरोध में, और तीसरा पॉइंट है ईवीएम से चुनाव के विरोध में। इन शॉर्ट हम पूछ लेते हैं क्या कुछ मुद्दा उनका। यहाँ पे हमारे 3-4 भाई बैठे हैं। राम राम भाई। हाँ जी, राम राम भाई साहब, क्या कुछ कहना है आपका? सर, कहना ये है कि जो यूनिवर्सिटीज में, हाँ जी, पहले यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी की सारी पोस्टें जो होती थी वो सारी पोस्टें इकट्ठी निकलती थी, जबकि अब क्या कर दिया, विभागीय पोस्टें निकलती हैं। और विभाग में क्या, 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है, जबकि संवैधानिक सिस्टम ये कहता है कि भाई 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू हो। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में क्या होता है कि जनरल एससी एसटी ओबीसी को उनके संख्या के अनुपात में, या यूं कहिए जो संवैधानिक रिजर्वेशन जो उनको दी गई है उसके अनुपात में उनको पूरा रिजर्वेशन मिल जाता है, जबकि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली जो विभागीय भर्ती है वो ओबीसी एससी एसटी के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनको यूनिवर्सिटीज में, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नौकरी में उनको किस प्रकार से, जैसे पुराने समय में भाई एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था, ये उसी तरह से आज आधुनिक युग में जो पढ़े लिखे रोजगार हैं, जो मुश्किल से अपनी शिक्षा ले पाते हैं पीएचडी करके या फिर स्कॉलर बनते हैं, उन लोगों को एससी एसटी ओबीसी के लोगों को किस प्रकार से बाहर किया जा रहा है, ये मुद्दा बहुत भयंकर है। और 13 पॉइंट रोस्टर का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से जैसे पहले 200 पॉइंट रोस्टर लागू था उसे पुनः बहाल किया जाए। जय भीम जय भारत। ठीक है जी, राम राम भाई। भाई जी आपका क्या कहना? सभी साथियों जय मूल निवासी, मेरा कहना ये है जो 10% आरक्षण स्वर्णों को दिया गया है या ब्राह्मणों को दिया गया है वो संविधान के विरोध में है। जब यहाँ पे कह रखा है कि भी 13% आर्थिक आरक्षण, तो उसमें ब्राह्मणों का क्या विषय जिक्र है? ब्राह्मणों का विषय ये है जो स्वर्णों का मामला है, संविधान के अंदर जो आरक्षण दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व जो दिया गया है उसका आधार है सामाजिक और शैक्षणिक, जो एससी बीसी और एसटी एनटी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको सामाजिक स्तर में उनको नीचा दिखाया गया और शैक्षणिक स्तर उनका गिरा हुआ है। मतलब ब्राह्मण तंत्र का क्या मतलब है? ब्राह्मण तंत्र का ये है, आज देश के अंदर 5 नेशनल लेवल की पार्टियां जो हैं वो टोटली 3.5% लोगों ब्राह्मण लोगों की है। 1931 के अनुसार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी उसके अनुसार ब्राह्मणों की जनसंख्या 3.5% है। अकेले 3.5% लोगों की जनसंख्या है, उनके अनुसार 5 राष्ट्रीय पार्टियां और टोटली ब्राह्मणों के हैं। नंबर 1 पार्टी है कांग्रेस, टोटली ब्राह्मणों की। सेकंड पार्टी है बीजेपी, वो भी ब्राह्मणों की। तीसरी नंबर पर पार्टी है कम्युनिस्ट, चौथी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, और पांचवी है तृणमूल कांग्रेस। टोटली की टोटली पांचों पार्टियां ब्राह्मणों के कब्जे में है, और जो कि ओबीसी, तो जो 10% आरक्षण मिला आर्थिक आधार पर ब्राह्मणों को मिला है, ये ब्राह्मणों को बिल्कुल मिला है। ब्राह्मणों को ऐसे मिला है, इसमें जाट हैं या और अदर कास्ट हैं, बणिए हैं, पंजाबी हैं, उनको नहीं मिला। बणिए पंजाबियों को और जाटों का मामला ये है, जो जाटों को रिजर्वेशन के नाम पे ये एक धोखाधड़ी है। जब हरियाणा के अंदर जाटों को जो रिजर्वेशन का आंदोलन था, आरक्षण था, उसके अंदर इन्होंने सरकार ने इनको रिजर्वेशन नहीं दिया, लेकिन अब देने का क्या मामला है कि एससीबीसी के साथ में, इन एससीबीसी के साथ में जाटों का और इनके आमने सामने करवा करके दंगे भड़काए जाएं। ये आरएसएस और ब्राह्मणों की ये सदा से नीति रही है कि इस देश के अंदर विदेशी ब्राह्मण हैं, इस देश के ब्राह्मण नहीं हैं, ये लोग यूरेशियन लोग हैं। इस देश के ब्राह्मण लोगों ने भारत देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हम लोग मूल निवासी लोग हैं, एससी बीसी एसटी और ओबीसी जो लोग हैं इस देश के वास्तव में मूल निवासी लोग हैं भारत देश के, और हम चाहते हैं इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करना, और वो व्यवस्था परिवर्तन हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से करना चाहते हैं। अच्छा, ईवीएम का क्या मुद्दा है? ईवीएम का मुद्दा ये है, जब ईवीएम इंदिरा गांधी 1982 के अंदर लेके आई तो उस समय एक बहुजन आंदोलन चला हुआ था जो सामान्य वर्ग कांशीराम के नेतृत्व में चला हुआ था, तो उसको भलीभांति भांपते हुए इंदिरा गांधी ने ये देखा कि भविष्य के अंदर हम लोग को मतलब सत्ता से बाहर या व्यवस्था से बाहर कर दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने जिन देशों ने, जैसे अमेरिका है, जापान है, न्यूजीलैंड है, इन लोगों ने जो पॉपुलर देश हैं या जो विकसित देश हैं उन लोगों ने ईवीएम को बंद कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी हमारे देश के अंदर ईवीएम को लेकर के आई। इसके अंदर घोटाला होता है, 2009 के अंदर सुब्रमण्य स्वामी जो वर्तमान समय में बीजेपी का नेता है, उसने सुब्रमण्य स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया कि ईवीएम के अंदर 100% गड़बड़ी होती है, और सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का जो निर्णय आया ईवीएम के विरोध में आया कि ईवीएम के से जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होते। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई आप ईवीएम को
गलत प्रूव करो, तब वहाँ पे कोई भी किसी भी पार्टी का बड़ा मंत्री या कोई भी नहीं गया, तो जिक्र क्यों इस बात का? ईवीएम का जब चुनाव आयोग ईवीएम की गड़बड़ी में शामिल है और चुनाव आयोग ने जब ये शर्त रखी तो उसको बगैर हाथ लगाए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितनी भी पार्टियां वो टोटली ब्राह्मणों के कब्जे में पार्टियां हैं। अच्छा, और ब्राह्मण ऐसा नहीं चाहता कि उसको एक्सपोज कर से एक्सपोज हो या जनता के सामने ईवीएम का पर्दाफाश हो, इसलिए चुनाव आयोग ने एक ढकोसलेबाजी करके समाज के ऊपर ये या देश को दिखाने का काम किया। तो आपके हितैषी मायावती जी हैं? नहीं, मेरा इतिहास ही, मैं सामाजिक हूँ, मैं 85% की बात करता हूँ, मैं मूल निवासियों की बात करता हूँ। हमारा संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है जो बामसेफ के अंडर में काम करता है। तो मायावती जी भी आपके हितैषी नहीं है? मायावती जी का हम लोग कह रहे हैं, मायावती जी जिस तरीके से काम कर रही है वो उनकी अनुसार ठीक है, लेकिन हम महापुरुषों की विचारधारा के चले हुए हैं, जैसे रविदास जी की वाणी है, कह रहे दास। तो मायावती जी ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? मैं मायावती जी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ी ना उठाना। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं मायावती जी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्यक्ति विशेष का समर्थक नहीं हूँ, मैं विचारधारा का समर्थक हूँ। मैं ब्राह्मण बनिया का समर्थक, जो ब्राह्मण बनिया का समर्थक होता है मैं उस विचारधारा को या उस व्यक्ति को समर्थन। उनके खिलाफ हो? मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो ब्राह्मण बनिया और विदेशी लोगों को जो समर्थन करता है मैं उसके खिलाफ हूँ। जो ब्राह्मण और बनिया का समर्थक आप उसके खिलाफ हो? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं विदेशियों के पक्ष में नहीं हूँ। जय मूल्यवासी सर। ठीक है, ठीक है। तो भाई जी आपने इनकी बात सुन ली, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो मुद्दा है यहाँ पर, ये इनका सारा मुद्दा है, और ये आपके हेड है जी मेरे ख्याल से, है ना जी? तो ये इनके हेड है जी, मास्टर वामन मेश्राम, माननीय वामन मेश्राम। ओके, इनकी यूट्यूब पर वीडियो भी है ना जी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी इनके नाम से आप यूट्यूब चैनल सर्च भी कर सकते हैं, इनकी विचारधारा भी समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, इनकी विचारधारा से आप कितना सहमत है भाई, नीचे कमेंट लिख दियो, और सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए वो उनका व्यूज़ है, लेकिन मेरा काम है इनकी बातें सरकार तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद भाई, राम राम।